हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपने गार्डन की टूर कराऊंगी। पहले भी मैंने एक बार किया हुआ था, जो मेरी पहले वाले घर की गार्डन थी। आज मैं अपने जो नए घर में आई थी उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे हाथ में जो गुआवा आपने देखा, वो गुआवा का जो पेड़ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी बड़ी है, बहुत सुंदर है। और मेरे हाथ में जो साइज आपने देखा, इस पेड़ की जो गुआवा होते हैं वो उतने ही बड़ी बड़ी होते हैं। और बहुत सारे चिड़िया भी इस पेड़ पे आ जाते हैं और सारे गुआवा को खा जाते हैं। हम खाने के लिए निकलते हैं तो एक भी नहीं मिलती है हमको। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद दिखा नहीं, वो गुआवा ऊपर थे, सारे पके हुए गुआवा थे उसमें। ये देखिए मेरी पूरी जो गार्डन है, मेन गेट है मेरी एंट्रेंस की, और साइड में मैंने कुछ पेड़ पौधे रखे हुए हैं, वो दिखाती हूँ आपको। कुछ गमले मैंने वहाँ से ले आई थी और कुछ मैंने वहाँ पुराने वाले घर पे छोड़ दिया था। ये थी मेरे पास पहले से। और मैंने एक चीज़ किया है, जो सेम प्लांट से उसको मैंने एक साथ रखा हुआ है ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको हम तोड़ के अगर दोबारा लगा देंगे किसी गमले में तो हो जाएगा। और मैंने तोड़ के ही, मेरे जो देख रहे हैं 3 गमले में है, मैंने एक तोड़ के लाई थी और उसको तोड़ तोड़ के फिर 3 गमले में लगा दिया है वो सारे, ठीक है। छोटे छोटे गमले मैंने ऊपर रखे हुए थे। और ये है हिबिस्कस, मेरे पास 2 थे, 2 कलर के हैं। और मैं 2 गमले नए नए लाई थी वो बड़े साइज़ के, तो मैंने दोनों लगा दिया। और वो फाइकस है, वो भी छोटे छोटे 2 गमले में थे, मैंने एक में कर दिया है उसको। मिट्टी कम है, मिट्टी मेरे पास है नहीं, लाऊंगी उसको डालने के लिए और थोड़ी सी। और देखिए लिली फ्लावर कितनी सुंदर दिख रही है, वाओ, बहुत नाजुक सा फूल होता है और उसके प्लांट भी बहुत नाजुक होते हैं। ये सारे तो मेरे पास अब पहले से ही था, मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब देखिए एक नया चीज, मेरे पास एक नारियल था जिसके ऊपर से जो वो होते हैं ना पेड़ के लिए जैसे लगाते हैं, वो हो रखा था। जब मैं निकाली उसको कुछ करने के लिए तो मैं देखी कि वो है, तो मैंने उसको गमले में डाल दिया है ताकि पेड़ हो जाए। और बाकी ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये छोटा सा, इसको अगर हम तोड़ के लगाएंगे गमले में तो वाला प्लांट जो है हमारी हो जाएगी। अब एक नया हैंगिंग है प्लांटर, ये भी नया लाई थी यहाँ आने के बाद। इसमें लगाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो पहले से जो था उसको मैंने वो वाले गमले को उसमें रख दिया है। बहुत सुंदर लग रही है, कुछ उसमें बड़े हुए पहले से साइड का था और बाकी मैंने कुछ तोड़ के उसमें लगाया है। ये भी नए प्लांटर में लाई हूँ लेकिन अभी तक उसमें कुछ लगा ही नहीं हूँ। ये वाली तो मेरे पास पहले से थी, मैंने आपको दिखा हुआ है। मेरी पहले वाली गार्डन की जो टूर मैंने आपको कराई थी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास क्या थी अब क्या है। ये देखिए हिबिस्कस की फ्लावर हो रखा है, ये बहुत सुंदर लग रही है। इसी में ज़्यादा फूल होते हैं मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं। ये एक लेमन की ट्री है, प्लांट है, और अब बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा दूसरा गमले में भी उसको भी शिफ्ट कराना है। ये प्लांटर भी नई लाई थी, उसमें भी कुछ नहीं लगाई हूँ, वैसे रख दिया है। मिट्टी है नहीं मेरे पास, बड़े वाले गमले में डाल दी तो सारे ख़त्म हो गए थे, लाऊंगी तभी जाके कुछ लगा पाऊंगी। ये गेंदे का फूल है, ये देखिए छोटे छोटे गेंदे का प्लांट के लिए मैंने उसको डाला हुआ था तो हो रखे हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर उसको देखूंगी क्या करना है। इसमें भी मैंने डाल दिया था, आपको पता होगा गेंदे का फूल अगर हम ऐसे डाल देंगे तो उसमें से उसके जो छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। ये मेरी क्रिसमस ट्री है, इसको भी मैंने आपको पहले से दिखाया हुआ था, बहुत बड़ा हो गया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था तो सारे प्लांट सूखे हुए हैं, पानी दे दूंगी अब।
और आपको पता होगा गेंदे का अगर हम तोड़ के लगाएंगे तो वो भी हो जाता है। मुझे क्रीपर बहुत पसंद है, इसीलिए शायद इस घर में दो क्रीपर का प्लांट है, एक तो बोगनविला का है और दूसरा जो मेरे पास है वो है मधुमालती का। तो दो क्रीपर है, एकदम भरा हुआ है मेरा जो गार्डन है, पहले से ही था और बड़े बड़े भी वो सारे क्रीपर्स हैं। बहुत सुंदर लगता है जब घर से बाहर निकलो तो और सामने इस तरह का एक गार्डन हो ना, दिल खुश हो जाता है। और गार्डनिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ लेकिन जितना करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाली प्लांट भी पहले से ही यहीं पे थी, ये शायद बल्ब से होती है। ये देखिए बल्ब निकला हुआ है, तो उसको भी निकाल के मैं गमले में लगाऊंगी, बल्ब निकालूंगी पूरा प्लांट को नहीं। ये वाली भी पहले से ही थी यहाँ पे, इसके लिए बहुत अच्छे दिख रही हैं, कलरफुल दिख रहे हैं। और ये वाले गमले भी मेरे पास पहले से थी, और जो गेंदे को बड़े वाले प्लांट्स मैंने तोड़ के इसमें लगाई हुई थी तो ये बड़े बड़े हो गए हैं। और इसको मैंने ऊपर रख दिया, रख के इससे बांध लिया है ताकि वो नीचे गिरे ना। ये सारे प्लांट्स तो मेरे पास पहले से थी, आप सबने देखा हुआ है इसको। मेरे बेटे का रूम है तो उसके बाहर के साइड में खिड़की में मैंने छोटे छोटे कुछ गमले रख दिए हैं। अच्छे से मैंने अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है ऊपर का, वैसे ही रखा हुआ है। और एक विंडो है, उसके ऊपर भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। अच्छे तो दिख रहे हैं लेकिन मुझे और थोड़ा सा उसको अरेंज करना है। अब देखिए पौधों में जब हम पानी देते हैं कितना मज़ा आता है, सही में ऐसे लग रहा है जैसे पौधों को नहला रहे हैं। बहुत सुंदर लगती है, ग्रीनरी लगती है, एक फ्रेश हो जाते हैं जब पानी देने के बाद पौधे सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।